एवरीवन, आप देख रहे हैं कंसल्टीज। मैं हूँ शिफाली केजरीवाल और आज मेरे साथ है आशुतोष मलिया जी। तो हम लोग आज बात करने वाले हैं रेक्टिफिकेशन के बारे में। रेक्टिफिकेशन ऑर्डर्स की मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ। तो जहाँ पे कोई अपरेंट मिस्टेक है किसी ऑर्डर के अंदर, उसे रेक्टिफाई किया जा सकता है डिपार्टमेंट की साइड से भी, और आप भी उसके बारे में अपील कर सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे कंफ्यूजन है इस प्रोविजन को लेके। कई लोग इसको रिटर्न के साथ मिक्स कर लेते हैं। कुछ लोगों को समझ नहीं आ रहा कि अगर हम रेक्टिफिकेशन में जा रहे हैं तो हमारा जो अपील का नॉर्मल प्रोसीजर है उसका किस तरीके से इम्पैक्ट होगा। तो इसमें सबसे पहले हम लोग सिर्फ बेसिक प्रोविजन से स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आशु जी मैं यही करने वाली हूँ। आशु, सबसे पहले बताओ कि बेसिकली प्रोविजन है क्या रेक्टिफिकेशन का, किस सेक्शन के अंदर है, क्या लैंग्वेज यूज की गई और क्या उसका बेसिक इम्पैक्ट है। बेसिकली फर्स्ट वी शुड अंडरस्टैंड द बैकग्राउंड। बेसिकली हम जो भी हमें आज के डेट में जीएसटी के ऑर्डर्स मिल रहे हैं, सेक्शन 73 और कुछ केसेस में सेक्शन 74, जिसके लिए विंडो अभी भी ओपन है। हमें ऑर्डर मिल गया एंड वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद द ऑर्डर। जनरली व्हाट द रेमेडी अवेलेबल विद अस, वी कैन गो फॉर द अपील। बट देर आर सर्टेन सिचुएशंस वेयर द ऑर्डर्स हैज बीन पास्ड where there are some apparent errors on the order. If I am going to the appeal, I have to deposit 10% of the tax disputed amount. Then I have to file an appeal and I can go for that remedy. For that purpose, there is a provision under sections 161. If there is something, some error which is apparent on the record, on the face of the order or any document, then rectification application can be filed. So, what is the difference between rectification and appeal that will come in mind? First, we have to understand rectification is a separate mechanism. It is available when there is some error in order, which is apparent on the face, which is face on the record or on the order. We are not required to deposit anything for the purpose of rectification. We have to simply file an application. Second, appeal has to be filed to the appellate authority. While for the rectification purpose, that is very clear, it has to be passed by the person who has passed the original order. तो इफ यू समराइज इट, मैंने एक ऑर्डर पास किया, उस ऑर्डर में फेस पर कुछ गलती है जो उस ऑर्डर को देखने से पता चल रही है। मैंने 4 लाख की जगह 40 लाख लिख दिया, मैंने ऑर्डर नंबर गलत डाल दिया, मैंने असेसी का बेसिकली इस 17-18 के केसेस में क्या हुआ है कि ऑर्डर किसी और का है और उस पे जीएसटी नंबर किसी और का डला हुआ है। डाटा मैंने ऑर्डर शीट में जो अपने रिकॉर्ड बनाए उसमें सारा डाटा 17-18 का है, लेकिन साथ में मेरा 18-19 का केस भी चल रहा था। ऑर्डर बनाते समय उसमें 18-19 का डाटा डाल दिया गया। देर में भी केसेस जहां पर एसएससी के सबमिशंस को बिल्कुल भी कंसिडर ही नहीं किया गया, दैट में भी डिस्प्यूट कि वो अपेरेंट फेस पे गलती है नहीं है, माना जाएगा कि नहीं जा माना जाएगा, बट देर कैन बी सिचुएशंस। सो बेसिकली दिस इज अ मैकेनिज्म अवेलेबल जब कोई ऑर्डर कोई पास हो चुका है जिसमें गलती सामने से देखने पर पता चल रही है, देन इंस्टेड ऑफ गोइंग टू अपील, रेक्टिफिकेशन एप्लीकेशन कैन बी फाइल्ड एंड बेसिक प्रोविजन आर अंडर सेक्शन 161 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट एंड रेस्पेक्टिव एसजीएसटी। तो जैसे कि आपको आशु जी ने बताया कि रेक्टिफिकेशन और अपील के अंदर मेन डिफरेंस ये है कि अपील तब होगा जब आपका कंसेप्चुअली किसी फैक्ट पे या किसी लॉ की जो इंटरप्रिटेशन है उनमें कोई कंफ्यूजन है, राइट? तो कोई प्रोविजन है, आपने कहा कि एप्लीकेबल नहीं होता, मेरे को आईटीसी मिलेगा, ऑफिसर ने कहा नहीं मिलेगा, वहां पे आपका क्या है, एक किसी प्रोविजन के ऊपर उसके इंटरप्रिटेशन पे या किसी फैक्ट पे आपका कुछ आपस में डिस्प्यूट है, उस केस में आप रेक्टिफिकेशन में नहीं जाएंगे। रेक्टिफिकेशन सिर्फ उस केस में होगा जहां पे कोई मिस्टेक रह गई है। तो यहाँ पे कोई डिफरेंसेस नहीं है बल्कि मिस्टेक इंपॉर्टेंट है, यानी कि किसी चीज पे दोनों एग्री कर रहे थे, ऑफिसर भी एग्री कर रहा था, आप भी एग्री कर रहे थे, लेकिन ऑर्डर बनाने के टाइम पे उनसे वो गलती हो गई। जैसे आप उन्होंने कुछ एग्जाम्पल भी दिए कि आपका कोई लेट से चालान नंबर गलत हो गया, आपने जीएसटी नंबर कुछ और डाल दिया, कोई अपरेंट मिस्टेक है। तो ऐसी छोटी छोटी गलतियों के लिए अपील के मैकेनिज्म को एग्जॉस्ट करने की बजाय, क्योंकि वो लेंथी भी होता है और वहां पे आपको प्री डिपॉजिट भी रखना होता है, तो उसकी बजाय मैं क्या करूँ, सीधा एक रेक्टिफिकेशन की एप्लीकेशन डाल दो और वो सेम अथॉरिटी पे डाली जाएगी कि जिसने गलती की है वो इसको करेक्ट करेगा। यहाँ पे हम एडजुडिकेट इसको दोबारा से नहीं करा रहे हैं, हम किसी और अथॉरिटी से नहीं पूछ रहे कि भाई इसने जो किया वो सही है कि नहीं है, मेरा व्यू ये है, उसका व्यू ये है। यहाँ पे मैं उसी को जाके बता रही हूँ कि सर आपने दो दुनी पांच लिख दिए हैं, तो इसको चार कर दो, जो मतलब फैक्चुअल चीज है जो बिल्कुल सही है उससे गलती हो गई। अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं इसके।
अब इसका और अपील का आपस में किस तरीके से कोऑर्डिनेशन चलेगा? जैसे अगर मैं रेक्टिफिकेशन में जाती हूँ तो क्या उसके बाद भी मैं अपील में जा सकती हूँ? क्योंकि रेक्टिफिकेशन और अपील के दो अलग अलग पर्पसेस हो गए। इसका जो पर्पस है वो तो सिर्फ गलती ठीक कराना है, उसका पर्पस जो है वो डिस्प्यूट को सेटल करना है। तो दोनों साथ साथ कैसे चलेंगे? ऐसा तो नहीं है कि मैं रेक्टिफिकेशन में जाऊँ तो मेरा अपील का राइट एग्जॉस्ट हो जाए, या रेक्टिफिकेशन कर जब तक मेरा आए उसकी एप्लीकेशन का जो मतलब डिसीजन है वो आए तब तक पता चले कि मेरी जो अपील का टाइम हो एग्जॉस्ट हो चुका हो। तो इनकी टाइम लिमिट और इनका एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप किस तरीके से चलेगा? बेसिकली लॉ साइलेंट है दोनों के रिलेशन के बीच के लिए। साइलेंट का मतलब ये हुआ कि 161 की प्रोविजन सेपरेट है और जो हम अपील फाइल करते हैं 107 सेपरेट है। अब दोनों के बीच में लिंकिंग कैसे जनरेट होगी? 107 के अंदर भी हमें 3 महीने का टाइम पीरियड है फ्रॉम द डेट फ्रॉम द रिसीट ऑफ द ऑर्डर। 161 की एप्लीकेशन भी हमें 3 महीने के अंदर फाइल करनी है। नो क्वेश्चन अराइजेस, क्या रेक्टिफिकेशन अपील की एक अल्टरनेटिव मैकेनिज्म है और या रेक्टिफिकेशन अपील को सब्स्टिट्यूट करते हुए एक आपको एडिशनल टाइम पीरियड दे रही है? इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। मेरा 31 दिसंबर 2023 को एक ऑर्डर पास हुआ, मेरे को ऑर्डर मिला, मेरे को लगा कि जो ऑर्डर है उसमें अपेरेंट मिस्टेक है। अपेरेंट मिस्टेक फैक्ट ऑफ लॉ की भी हो सकती है, अपेरेंट मिस्टेक फैक्ट ऑफ लॉ फैक्ट्स की भी हो सकती है। आई फेल्ट कि देयर इज अपेरेंट मिस्टेक ऑन रिकॉर्ड, आई फाइल्ड एन एप्लीकेशन। अब रेक्टिफिकेशन एप्लीकेशन फाइल करने के बाद में जो ऑर्डर पास करना है वो 6 मंथ्स के अंदर पास करना है। टेक्निकल एरर हो तो उसके लिए टाइम लिमिट नहीं है, दैट वी हैव टू कीप इन माइंड। अर्थमेटिकल एरर है, मैंने 2 + 2 को 5 लिख दिया, उसके लिए टाइम लिमिट नहीं है, अदरवाइज द ऑर्डर हैज टू बी पास्ड विद इन 6 मंथ्स। मैंने एग्जाम्पल जो हमने लिया, हमारा 31 दिसंबर 2023 को ऑर्डर आया, मैंने 15 जनवरी 2024 को रेक्टिफिकेशन एप्लीकेशन फाइल कर दी। अपील मेरे को 107 में मैं फाइल कर सकता हूँ विद इन 3 मंथ्स। दैट मीन्स 31 दिसंबर के बाद जनवरी फरवरी मार्च 31 मार्च तक मेरे को अपनी अपील फाइल करनी है इफ आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द ऑर्डर। ऑफिसर ने मेरी एप्लीकेशन रेक्टिफिकेशन एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया, दैट वॉज रिजेक्टेड ऑन 30 अप्रैल 2024। क्या मैं अपील फाइल कर सकता हूँ? बेसिकली जो कम्युनिकेशन है, जो मेरे को रेक्टिफिकेशन का रिजेक्शन मिलेगा, दैट विल बी अ कम्युनिकेशन। नो, अब मेरे पास दो चीजें हाथ में हैं, मेरा ऑर्डर इन ओरिजिनल जो कि मेरा 31 दिसंबर 2023 का है, दूसरा मेरा रिजेक्शन का कम्युनिकेशन जो मेरे को 15 अप्रैल 2024 को आया। नो द क्वेश्चन अराइजेस, क्या मैं ऑर्डर इन ओरिजिनल के अगेंस्ट अपील फाइल कर सकता हूं या मैं जो कम्युनिकेशन मेरे को रिजेक्शन का मिला है उसके अगेंस्ट अपील फाइल कर सकता हूं? दैट इज अ वेरी बेसिक क्वेश्चन एंड वेरी ट्रिकी क्वेश्चन। लॉ साइलेंट है क्योंकि अगर हम 107 में जाएं तो कहता है कि अपील किसी भी चीज के अगेंस्ट, किसी भी कम्युनिकेशन के अगेंस्ट, किसी भी ऑर्डर के अगेंस्ट कर सकते हैं। तो एक चीज तो, इन माई हम्बल ओपिनियन देर विल बी वेरियस व्यूज, एक चीज तो बड़ा क्लियर है कि मेरे को जो कम्युनिकेशन मिला है कि आपने जो रेक्टिफिकेशन एप्लीकेशन फाइल करी है, दैट इज नॉट एज पर द प्रोविजंस, दैट इज डज नॉट सेटिस्फाई द क्राइटेरिया, सो इट इज बिन रिजेक्टेड। मैं ऑब्वियसली उसके अगेंस्ट अपील फाइल कर सकता हूं कि रेक्टिफिकेशन की एप्लीकेशन को गलत रिजेक्ट किया गया है। बट क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मूल क्वेश्चन है, आई थिंक जो आप पूछना भी चाह रहे थे, कि क्या मैं ऑर्डर इन ओरिजिनल जो मेरा है उसके अगेंस्ट अपील फाइल कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। इसमें दो व्यूज पॉसिबल है। पहला व्यू ये पॉसिबल है कि मेरा रेक्टिफिकेशन जो है दैट मर्जेस विद द ओरिजिनल ऑर्डर एंड उसका जो कम्युनिकेशन जो मेरे को फाइनल रिसीव होता है, दैट इज द डेट व्हेन आई विल से कि मेरे को ऑर्डर इन ओरिजिनल रिसीव हुआ है इन फाइनलिटी। अगर मैं उस बेसिस को लेकर चलता हूं तो मेरी 15 अप्रैल 2024 को जो रेक्टिफिकेशन की एप्लीकेशन फाइल हुई है उसके बेसिस पर अपील कैन बी फाइल्ड विद इन 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ रिजेक्शन कम्युनिकेशन। दूसरा जो थॉट प्रोसेस है वो ये है कि दोनों सेपरेट मैकेनिज्म है। रेक्टिफिकेशन एक सेपरेट मैकेनिज्म है, अपील एक सेकेंड मैकेनिज्म है। यू कैन नॉट मिक्स दोज थिंग्स,
ऑर्डर इन ओरिजिनल की अपील सेपरेटली फाइल होनी चाहिए इफ यू रिक्वायर्ड विद इन द टाइम फ्रेम फ्रॉम द डेट ऑफ द ओरिजिनल इन ऑर्डर, एंड रेक्टिफिकेशन की एप्लीकेशन साथ अलग से फाइल होनी चाहिए इफ इट इज रिक्वायर्ड. आई टेल यू दिस इज द केस ऑफ वीके कंस्ट्रक्शन, आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का है. यहां पर हाईकोर्ट ने क्या कहा, एक एप्लीकेशन फाइल हुई थी सेक्शन 74 में, दैट वाज रिजेक्टेड. द पर्सन वेंट टू रिट फॉर दैट पर्पस. हाईकोर्ट सेड कि आपकी जो एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई है वो तो सही है, लेकिन यू हैव द रेमेडी टू फाइल एन एप्लीकेशन अपील, एंड अपील का जो टाइम पीरियड है दैट विल बी काउंटेड फ्रॉम द डेट व्हेन यू रिसीव्ड द रिजेक्शन कम्युनिकेशन, रिजेक्शन ऑर्डर. So this is very clear cut case of Andhra Pradesh High Court. But similarly एक दूसरा केस भी है. वहां पर डिपार्टमेंट ने क्या किया कि एक असेसमेंट प्रोसीडिंग्स को रीओपन कर दिया, एलिजिंग की कुछ कम्युनिकेशंस को कंसिडर नहीं किया गया 74 के अंदर. मेरा नॉर्मल असेसमेंट हो गया उसके बाद में, बिकॉज इट इज दूधारी तलवार. क्योंकि वॉट वी हैव टू अंडरस्टैंड, रेक्टिफिकेशन इट इज नॉट ओनली फॉर असेसी, इट इज फॉर द डिपार्टमेंट ऑल्सो. असेसी को लग रहा है कि कुछ कंसिडर नहीं किया गया जो कि एरर है, ही कैन फाइल द एप्लीकेशन. सिमिलरली डिपार्टमेंट में जिसने ऑर्डर पास किया है या कोई दूसरा ऑफिसर भी एप्लीकेशन फाइल कर सकता है फॉर द पर्पज ऑफ रेक्टिफिकेशन. द सिमिलर प्रोविजन वॉज इन सर्विस टैक्स ऑल्सो. सो वॉट हैपन इन दैट केस कि डिपार्टमेंट ने असेसमेंट प्रोसीडिंग रीओपन कर दी, स्टेटिंग कि यहां पर एरर ऑन रिकॉर्ड है, कुछ फैक्टर्स को कंसिडर नहीं किया गया, तो वी ओपनिंग द प्रोसेस. तो वहां पर हाईकोर्ट ने कहा दिस कैन नॉट बी वे टू बैकडोर एंट्री. दैट मीन्स इस तरह से तो आपके पास असेसमेंट के बाद भी फर्दर सर्विस टैक्स के अंदर 2 साल का पीरियड मिल गया, यहां पर आपको 3 महीने का पीरियड मिल गया. तो अगर हम देखें तो दोनों कोर्ट के डिसीजन अलग अलग हैं. वन से कि आपकी बैकडोर एंट्री नहीं हो सकती, वन सेज कि आपने जब रेक्टिफिकेशन का ऑर्डर मिला तब से आपकी अपील फाइल कैन बी फाइल. सो व्हाट आई अंडरस्टैंड इन माय हम्बल ओपिनियन, व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि मैं इस व्यू से बड़ा कंसिडर्ड व्यू हूं, अगर रेक्टिफिकेशन की डेट से अपील की डेट्स मेंशन कंसिडर किया जाने लगा तो स्यो मोटो मेरी अपील की डेट्स बढ़ गई. जो 3 महीने का पीरियड है वो ऑटोमेटिकली जो है 9 महीने का हो गया. आई कैन गो टू द ऑफिसर, आई कैन फाइल द रेक्टिफिकेशन एप्लीकेशन, ऑफिसर कैन रिजेक्ट द एप्लीकेशन विद इन 6 मंथ्स, आई विल हैव द फर्दर पीरियड ऑफ 6 मंथ्स. अपील आफ्टर रिजेक्शन ऑफ रेक्टिफिकेशन द कोर्ट्स मे टेक द कॉन्ट्रेरी रिव्यू. सो द थिंग्स आर ओपन राइट नाउ, द कोर्ट्स विल हैव टू डिसाइड, बट आवर स्टेक्स आर हाई, अकॉर्डिंगली वी कैन टेक अ कॉल. Second question arises, can we go for both appeal and rectification because the time limits are same, there is no restriction as such, because there is no provision in GST law, but in service tax the provision was if something has been decided with an appeal, the appeal rectification cannot be done. Even if you file the application and rectification is done before that, before filing an appeal, then obviously application for appeal can be withdrawn. So the safer approach can be कि वी कैन फाइल बोथ अपील एंड रेक्टिफिकेशन. ऑब्वियसली वन ऑफ द मेजर फैक्टर इन अपील इज 10% ऑफ द डिस्प्यूटेड अमाउंट, वेयर द अमाउंट्स आर क्वाइट हाई, दैट कैन बी हिंड्रेंस फैक्टर. ऑन दैट बेसिस कॉल कैन बी टेकन वेदर वी कैन आर गोइंग फॉर रेक्टिफिकेशन और वी आर गोइंग फॉर बोथ. ओके, सो प्रोविजंस में क्लैरिटी का अभाव है, वही आशीष जी बता रहे थे कि हम लोग इसको पुराने ज्यूरिसप्रूडेंस से समझने की कोशिश तो कर सकते हैं, बट जीएसटी के हिसाब से भी क्लियर नहीं है कि क्या आपका राइट एग्जॉस्ट हो जाएगा अगर आप रेक्टिफिकेशन में जा रहे हैं, या आप सेम केस में दो अलग अलग चीजों के लिए एक तरफ रेक्टिफिकेशन में भी जा सकते हैं और एक तरफ अपील में भी जा सकते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स दोनों का जो पर्पज है वो डिफरेंट है, तो दोनों के फैक्ट्स भी बिल्कुल अलग ही होंगे. कहीं पे आप एक अर्थमेटिक मिस्टेक ठीक करा रहे होंगे, कहीं पे आप जो आपके डिफरेंसेज है उनके ऊपर आप फाइट कर रहे होंगे. सर्विस टैक्स के अंदर भी कॉन्ट्रेरी जजमेंट्स हैं और उन जजमेंट्स के हिसाब से तो कहीं पर उन्होंने डिपार्टमेंट को कहा कि आप बैकडोर एंट्री तरीके से नहीं ले सकते. टाइम लिमिट हमने यहाँ पे डिस्कस की कि टाइम लिमिट हम ऐसा नहीं कर सकते कि पहले रेक्टिफिकेशन का ऑर्डर आ गया और फिर उसके बाद हम अपील में जाएं, दोनों की टाइम लिमिट जो है वो साथ साथ चलेगी. तो ऐसे में तो कई बार एसएससी आशु ट्रैप भी हो सकता है कि उसको लगा कि चले वाली मिस्टेक है, मैं रेक्टिफिकेशन में चला गया, लेकिन बाद में जो
ऑफिसर है उसको लगता है कि नहीं ये सिर्फ अपरेंट ऑन रिकॉर्ड नहीं है, तो क्या ये भी डिसाइड करना मुश्किल हो सकता है? मतलब कुछ मिस्टेक्स की नेचर ऐसी हो सकती है जो अपरेंट ऑन रिकॉर्ड भी लगती हो देखने में, बट एक्चुअली वो पता चले कि कुछ डिस्प्यूट वाले भी अमाउंट हो, तो ऐसे केस में क्या ट्रैप भी हो सकता है ऐसे थी? बिल्कुल ये हो सकता है बिकॉज दिस इज सब्जेक्टिव डिसीजन। आई मे से कि इट इज ए फॉर एग्जांपल, मैं एक लाइव एग्जांपल दूं, माय डिसअलाउंस हैज बीन डन अंडर सेक्शन 16(2)(c). दैट मींस सप्लायर्स का रजिस्ट्रेशन रेट्रोस्पेक्टिव से कैंसिल हो गया। डिपार्टमेंट हैज नॉट रेज द ऑब्जेक्शन कि आपको इनवॉइस नहीं मिली, आपने सप्लाई नहीं ली, आपने पेमेंट नहीं किया। माई डिमांड हैज बीन क्रिएटेड बिकॉज माई वेंडर्स रजिस्ट्रेशन हैज बीन कैंसल्ड रेट्रोस्पेक्टिवली। देर आर सम डिसीजन हैज कम लेट्स से ऑफ हाई कोर्ट ऑफ द जुडिशियल हाई कोर्ट वेर इट सेज कि ओनली ऑन सोलेली ऑन द बेसिस ऑफ रेक्टिफ ऑन द कैंसिलेशन ऑफ वेंडर्स रजिस्ट्रेशन ITC कैन नॉट बी डिनाइड। I have submitted all the things, all facts, but those facts has not been considered by the jurisdictional officer. Order has been passed against me. Now the mute question arises whether that is apparent mistake on record or that is a judgmental error. Because what we have to consider three things: whether it is a mistake, mistake of law or mistake of fact, or it is a judgment based on my own thinking. If the officer, either officer may be wrong or correct, but the officer has taken a call based on the records or the things available with him, certain things should be allowed or certain things should not be allowed, and that is in the order itself, then I feel that may not be the case for error apparent on the records. So what I'm trying to pointing out, error which is apparent on the record is very subjective issue, but the what are the decisions, various decisions in service tax and VAT provisions are very clear. If you have to think, if you have to make the calculations, if you have to make the understand other person what the mistakes are, then it is not apparent on record. That means if some error is there which is very clear apparent on the face of the records, that means some provisions have not been considered at all. Data has been taken wrongly. For example, instead of 40 lakhs, I mentioned 4 lakhs in my submissions, though other records were there. Then it can be the case where the rectifications can be done. Another example can be there were two show cause notices of the same matter. Assessing officer, I attended the second show cause notice, and I also wrote that I am attending second show cause notice. But in the hurry, the officer passed the order against first show cause notice also. There is no doubt the same issues were there. Only one show cause notice has to be adjusted, but both the notices have been passed. Order has been passed, so I can file an application under 161. So what I feel, though it is very simple to say, which is something which is apparent on record can be rectified, but it is a very subjective decision also. But the case laws, judicial decisions are very clear. If something has to be digged out, something need to be discussed, something needs to be recalculated, then it will not be apparent on the record. So we have to be very careful when we are filing application under 161. Why we are filing application under section 161? So at least we can challenge the cancellation order. If we are filing an application under section 161, there is a dispute whether the order in original time limit will be after rectification or not. But one thing is clear: rectification, cancellation, communication is always challengeable. So it has to very clear why we are filing under application under 161, whether the parameter of all those section 161 are fulfilled or not. So that if the order is against us or communication is against us, then we can challenge that rectification order or communication. That we have to keep in mind. तो इसमें लेकिन एक ये भी इशू आ सकता है कि कोई, जैसे मान लो मैंने ऑर्डर दिया
और कोई चीज अपरेंट ऑन रिकॉर्ड है या नहीं, तो मैं ऑर्डर में देखती हूँ कि मान लीजिए मैंने कुछ जजमेंट्स उनको साइटेशंस दी थी, उन्होंने जो ऑर्डर पास किया वो इनफ स्पीकिंग ऑर्डर नहीं था, मतलब उसमें उन्होंने अपना डिसीजन तो लिखा बट उन्होंने मेरे जजमेंट्स को क्यों कंसिडर नहीं किया, उनके बारे में कोई जिक्र ही नहीं किया कि आपने ऐसा कोई जजमेंट दिया था तो यहाँ पे फैक्ट्स डिफरेंट है तो मैं इसको नहीं एक्सेप्ट करता या कुछ भी, उन्होंने उसका कोई जिक्र ही नहीं किया और इस तरीके से ऑर्डर पास कर दिया। ये कुछ चीजें जो मैंने अपनी सबमिशन में ऑलरेडी दी थी उन्होंने उनको कंसिडर किया है नहीं किया है, उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया है जबकि इस बारे में कुछ बताया ही नहीं, उन्होंने अपने ऑर्डर में कहीं उसको कुछ उसके बारे में कुछ कहा ही नहीं। तो ऐसे केस में अगर हम लोग रेक्टिफिकेशन के अंदर जाते हैं तो मान लीजिए वो कहते भी कि हाँ ठीक है आपका ऑर्डर जो है आपके जजमेंट से मैं उनको देख लिया, उनको ऑन रिकॉर्ड ले लिया, बट वहाँ पे डिसीजन मेकिंग भी है यानी कि मिस्टेक भी है यानी कुछ स्किप भी हो गया आपसे डेटा, लेकिन उस डेटा के साथ एक डिसीजन मेकिंग भी है, क्योंकि रेक्टिफिकेशन में वो डिसीजन मेकिंग भी कर सकते हैं या सिर्फ रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं। चलो जजमेंट छोड़ दो, मान लो कोई और अमाउंट है, ठीक है मान लो कोई और अमाउंट है जिसपे डिस्प्यूट भी है, मतलब अमाउंट का भी है डिफरेंस, मैंने आपको कुछ बताया आपने वो कंसिडर नहीं किया, लेकिन क्या उसको कंसिडर करने के बाद भी लिया जा सकता है नहीं लिया जा सकता, तो वो भी एक डिस्प्यूट है। तो क्या रेक्टिफिकेशन में सिर्फ एक अमाउंट वाली चीज जानी चाहिए जो बिल्कुल एब्सोल्यूट अमाउंट वाली है, या जहाँ पे अमाउंट को एक्सेप्ट भी करना कि हाँ उसे छूट भी गई थी लेकिन छूटने के बाद भी उसपे मेरी डिसीजन मेकिंग है कि मैं अभी मेरे को पता चल गया बट मैं इसको एक्सेप्ट करूँ या नहीं करूँ, तो वहां पे क्या केस होगा? बेसिकली वॉट यू हैव टू अंडरस्टैंड, अपेरेंट मिस्टेक इट इज नॉट ओनली ऑफ द फैक्ट, इट इज अ लॉ ऑल्सो, मिस्टेक ऑफ लॉ ऑल्सो। सो और रेक्टिफिकेशन में बेसिकली द डिफरेंस और द ऑर्डर में बी एब्सोल्यूटली डिफरेंट वॉट वॉज द ओरिजिनल ऑर्डर। इट मीन्स जब मैं रेक्टिफिकेशन फाइल कर रहा हूँ इट कैन बी मिस्टेक ऑफ द लॉ ऑल्सो। जैसे एग्जाम्पल लिया आपने कि मैंने कुछ सबमिशन दिए थे एंड दैट वॉज नॉट कंसिडर्ड, दैट इज अ मिस्टेक अपेरेंट ऑन द रिकॉर्ड। ऑब्वियसली आई कैन फाइल एन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 161। ऑफिसर विल हैज टू पास द ऑर्डर आफ्टर दिस रेक्टिफिकेशन, बट इट इज नॉट नेसेसरी द ऑर्डर हैज टू बी इन फेवर, दैट वी हैव टू कंसिडर। सेकेंड, यू टोल्ड कि केस लॉ कंसिडर नहीं किया, वॉट वी हैव टू कंसिडर कि वो केस लॉ है कहाँ का। फॉर एग्जाम्पल वी आर सिटिंग इन दिल्ली और एक महाराष्ट्र का हाई कोर्ट का डिसीजन है एंड आई कोटेड दैट डिसीजन, देर इज नो ऑर्डर अगेंस्ट दैट हाई कोर्ट डिसीजन। हमने एक साथ पिछले वीडियो में डिस्कस भी किया था, जुरिस्प्रूडेंस ये है ही शुड कंसिडर इट बट इज नॉट बाउंड बाई इट। इफ ही हैज नॉट कंसिडर्ड इट देन इट इज नॉट द मिस्टेक ऑफ लॉ वॉट आई थिंक। बट एक दिल्ली हाई कोर्ट का डिसीजन है, सेम मैटर पर डिसीजन है और कोई दूसरा डिसीजन उसके अगेंस्ट नहीं आया है, तो व्हाट आई फील दैट इज अ लॉ एंड दैट शुड बी फॉलोड, बट फैक्ट्स हैज टू बी सेम फॉर दोज डिसीजंस। सो द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन इज इट इज नॉट ओनली अबाउट फिगर्स, इट इज अबाउट अबाउट द लॉ ऑल्सो। आई हैव नॉट कंसिडर्ड समथिंग विच शुड आई शुड हैव कंसिडर्ड, I have not considered the replies submitted by the assessee, then obviously rectification appeal can be filed. But order is not necessary, it has to be in favor. Because even after considering, if I say I have my replies has not been considered, okay, I will consider, officer say I will consider your reply, I will pass an order, I will pass a rectification order. But it isn't doesn't mean ki that order will be in favor as per that rectification application. द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस हैज टू बी फॉलोड, सेक्शन 161 ऑल्सो सेज कि अगर आपके आपके हो सकता है कि मैंने जो रेक्टिफिकेशन एप्लीकेशन फाइल करी है उसमें एनहेंसमेंट हो जाए मेरे ऑर्डर्स में डिमांड का, इन दैट केस द असेसी शुड बी कॉल्ड फॉर कि आपके अगेंस्ट एनहेंसमेंट क्यों ना हो। सो द पॉइंट यू हैव रेज्ड इट इज नॉट अबाउट ओनली फिगर्स, इट इज अबाउट फैक्ट्स, इट इज अबाउट लॉ। समथिंग हैज बीन लेफ्ट आउट और समथिंग हैज बीन टेकन रॉन्गली देन रेक्टिफिकेशन अंडर सेक्शन 161 कैन बी फाइल्ड। एक और क्वेश्चन है दिमाग में कि जब 161 में मान लीजिए मैंने किसी जजमेंट या किसी चीज पे मैं गई लेके कि अच्छा आपने मैंने सबमिशन में फैक्ट्स दिए थे आपने इनको कंसिडर नहीं किया, उसके बाद ऑफिसर ने उसको कंसिडर किया और कंसिडर करके मतलब उसको टेकन ऑन रिकॉर्ड, यस टेकन ऑन रिकॉर्ड बट जजमेंट फिर भी मेरे अगेंस्ट दिया, तो अब वो डिसीजन आया तो मेरे रेक्टिफिकेशन एप्लीकेशन की वजह से है, लेकिन मुझे जो उसमें प्रॉब्लम है अब वो मुझे रेक्टिफिकेशन वाली प्रॉब्लम नहीं, अब मुझे कॉन्सेप्चुअल वाली प्रॉब्लम है कि डिसीजन मेकिंग की प्रॉब्लम है,
तो जब मैं उस ऑर्डर के अगेंस्ट अपील में जाऊंगी तो क्या वहां पे मेरे राइट की कोई रिस्ट्रिक्शन है कि नहीं, अब तुम रेक्टिफिकेशन के ऑर्डर के अगेंस्ट अगर अपील में जा रहे हो तो तुम सिर्फ इसी बारे में बात कर सकते हो कि मैंने कुछ कहा था, उन्होंने रिकॉर्ड में नहीं लिया, और आप ये नहीं कह सकते कि उसकी डिसीजन मेकिंग गलत है। समझ रहे हो डिफरेंस? कि जब मैं यस अपील में, नॉर्मल अपील में जाती हूँ, नॉर्मल ऑर्डर एडजुडिकेशन ऑर्डर के अगेंस्ट जब मैं अपील में जाती हूँ, तब तो मैं बोल ही रही हूँ कि उसकी डिसीजन मेकिंग गलत है। यहाँ पे हम डिसीजन की बात कर रहे हैं, लेकिन जब हम रेक्टिफिकेशन में जाते हैं तो हम लोग सिर्फ एक मिस्टेक की बात करते हैं। अब मिस्टेक की वजह से तो ऑर्डर आया, लेकिन जो वो ऑर्डर आया वहां पे फिर डिसीजन मेकिंग का प्रॉब्लम है। तो क्या अपील वाले ये बोले कि नहीं, आप रेक्टिफिकेशन के ऑर्डर के अगेंस्ट जा रहे हो तो आप सिर्फ रेक्टिफिकेशन की बात कर सकते हो, उससे जो डिसीजन मेकिंग बेस्ड ऑन दैट रेक्टिफिकेशन की आप उसकी बात नहीं कर सकते? इज इट दैट काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन? देखो शिफाली, जो हमने शुरू में भी डिस्कस किया, दैट इज द चैलेंज विद अस एसी, कि जो दो थॉट प्रोसेस है, पहला थॉट प्रोसेस ये है कि जो मेरा रेक्टिफिकेशन ऑर्डर है या कम्युनिकेशन है, दैट मर्जेस विद द ओरिजिनल ऑर्डर इन कम्युनिकेशन, ऑर्डर इन ओरिजिनल। दैट मीन्स मैं जब अपील फाइल करूंगा तो ऑर्डर इन ओरिजिनल के फाइल करता हूँ आफ्टर गेटिंग द रेक्टिफिकेशन एप्लीकेशन, बट देर इज ए चांसेस कोर्ट्स मे नॉट एक्सेप्ट दैट कंटेंशन बिकॉज ऑर्डर इन ओरिजिनल की जो डेट है वो मैं ओरिजिनल मानूंगा। यहाँ पर अगर मैं अब इस चीज को, जो क्वेश्चन है उसको बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करें उस चीज के लिए, तो बेसिकली जो अगर मैं अपील फाइल कर रहा हूं अगेंस्ट माई रेक्टिफिकेशन ऑर्डर और रेक्टिफिकेशन रिजेक्शन, इन दैट केस माई अपील विल बी लिमिटेड टू द एक्सटेंट की रेक्टिफिकेशन की एप्लीकेशन सही से कंसिडर हुई है या नहीं हुई है, बिकॉज माई अपील विल बी अगेंस्ट द रिजेक्शन एप्लीकेशन। लेकिन मैं अपील फाइल करता हूं ऑर्डर इन ओरिजिनल के अगेंस्ट, तो ऑब्वियसली द टोटल ऑर्डर विल बी कंसिडर्ड। तो अगर मैं आज के डेट में प्रैक्टिकली इसको समराइज करूं, व्हाट हैज टू बी डन, बिकॉज द बेसिक क्वेश्चन अराइजेज व्हाट हैज टू बी डन, द बेस्ट अप्रोच इज कि मैं दोनों फाइल कर दूं, अपील भी फाइल कर दूं, रेक्टिफिकेशन भी फाइल कर दूं। बट प्रैक्टिकली हैपेंस, अगर मैं अपील फाइल नहीं कर पाया हूं, मेरे पास रेक्टिफिकेशन मैंने फाइल कर दिया, रिजेक्शन ऑर्डर मेरे पास आया है, तो इट इज नॉट 100% केस की अपील रिजेक्ट ही होंगी। इट विल बी कोर्ट्स विल डिसाइड दैट एटलीस्ट द डोर्स रास्ता दे रहे हैं कि आप उस रास्ते को अडॉप्ट कर सकते हैं। जैसे हमने एक आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का डिसीजन रेफर किया सर्विस टैक्स में, जहां पर दे हैव कंसिडर्ड द रिजेक्शन डेट जहां से मैं अपील की पीरियड काउंट होगा। सो बेस्ट कोर्स में तो मैंने दोनों फाइल किया, नहीं फाइल कर पा रहा हूँ, रिजेक्शन के बाद मैं फाइल कर रहा हूँ, एटलीस्ट वी शुड टेक ए कॉल एंड वी शुड फाइल एन अपील इवन आफ्टर रेक्टिफिकेशन इफ वी हैव मिस द बस, बिकॉज दैट लॉ इज नॉट क्लियर अबाउट इट। सर्विस टैक्स में वी हैव कॉन्ट्रेरी जजमेंट्स, सो वी कैन टेक द क्लू फ्रॉम देयर एंड वी कैन फाइल इवन अपील इवन आफ्टर आवर रिजेक्शन ऑफ और आवर कॉन्ट्रेरी ऑर्डर आफ्टर द रेक्टिफिकेशन एप्लीकेशन। आई विल से कि बहुत ही ध्यान से मैं रेक्टिफिकेशन का यूज कर रहा है, क्योंकि आपको बिना अपील के कुछ चीजें वहां पे ठीक कराने का राइट भी मिल रहा है, क्रेडिट डिपॉजिट वाले आपकी सेविंग हो सकती है। लेकिन वही वाली प्रॉब्लम है कि अगर वो चीजें कंसिडर करने के बाद भी आपकी फेवरेबल डिसीजन नहीं आया, अब यहाँ पे क्या है, रेक्टिफिकेशन की जो मैंने एप्लीकेशन ली वो तो मेरी एक तरीके से एक्सेप्ट हो गई, यानी कि मेरा फेवरेबल डिसीजन है, जो नहीं कंसिडर किया था वो कंसिडर किया, लेकिन फाइनल डिसीजन में मेरी कुछ लाइबिलिटी कम हुई या नहीं हुई वो एक अलग चीज है। तो वहां पे फिर आपके पास अपील में जाने में प्रॉब्लम है। तो ये आई थिंक हर एसएससी को बहुत ही केयरफुली डिसीजन लेना पड़ेगा कि वो रेक्टिफिकेशन में जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते हैं। दोनों चीजें, बेनिफिट भी है उसका, आपको फायदा भी मिल सकता है और आपको उसका नुकसान भी हो सकता है। तो आई थिंक दिस वाज वेरी थॉटफुल डिस्कशन अबाउट द रेक्टिफिकेशन प्रोविजंस। कुछ जो प्रीवियस रिजीम के जजमेंट्स थे वो भी हमने डिस्कस किए, वो मैं यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, उसके लिए भी वहां से आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो आई होप ये डिस्कशन आप सब लोगों के लिए यूजफुल रहा होगा। इसी के साथ वी कैन क्लोज इट, आशु जी। थैंक यू यश। थैंक यू बस सो मैं मच लास्ट में एक चीज और कहना चाहूंगा कि हम जो जी। भी रेक्टिफिकेशन की एप्लीकेशन 161 में फाइल करें, दैट शुड बी फॉर्मुलेटेड वेरी केयरफुली कि वेरी केयरफुल, हम यस। इसमें क्यों जाना चाह रहे हैं। क्योंकि अगर हम कल की डेट में अपर फोरम में जाते हैं अगेंस्ट रिजेक्शन ऑफ दिस एप्लीकेशन, आवर ग्राउंड शुड बी क्लियर कि वाई देर इज ग्राउंड, देर इज ए रीजन फॉर एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 161। इट इज नॉट ओनली कि हम सीधा लिख दें कि हमारा 161 में रेक्टिफिकेशन कर दो, देर शुड बी सॉलिड ग्राउंड, फॉर्मुलेटेड प्रॉपरली अप्रेंडेड, प्रॉपरली रिटन एंड कम्युनिकेटेड टू द ऑफिसर व्हाई दिस इज अ फिट केस फॉर सेक्शन 161, सो दैट फर्दर लिटिगेशन इफ रिक्वायर्ड कैन बी हैंडल्ड प्रॉपरली दैट।
ग्रेट, सो इट वॉज अ वेरी फ्रूटफुल डिस्कशन अबाउट द रेक्टिफिकेशन, प्रोज एंड कॉन्स उसके क्या हो सकते हैं, क्या लिमिटेशन है और कहाँ पे आप उसका एक्चुअली बेनिफिट उठा सकते हैं, दैट इज वेरी सब्जेक्टिव, हमेशा केस टू केस बेसिस।